जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जो 9 अगस्त 2021 को SSC CHSL का एग्जाम हुआ है, उसकी तीनों शिफ्टों के जीके के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 7 और 8 अगस्त को SSC CHSL का कोई एग्जाम नहीं था, 9 अगस्त के जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था 1948 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में सबसे पहले हुआ था। दोस्तों, सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है, जिसके तहत प्रत्येक वयस्क जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक, उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस राज्य में पारित हुआ है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस राज्य में पारित हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में पारित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में शादी तथा अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतर के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान के अधीन रहा है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में पूछा गया था दूसरे फॉर्म में, कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान के अधीन रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान के अधीन रहा है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 26 मार्च 1971, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को प्राप्त हुई थी। इसके आज़ादी से पहले यह देश पाकिस्तान में हिस्सा हुआ करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा धातु का गुण है? जी हाँ दोस्तों, धातु अधातु इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। धातु के गुण में मुख्यतः धातु चमकीले, प्रत्यास्थ, आघात वर्धनीय और सुघड़ होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातुओं का सबसे प्रमुख गुण ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुओं के लगभग सभी गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह आवर्तिता, परमाणु आयन, विद्युत और ऊष्मा चालकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, संगलन की गुप्त ऊष्मा आदि में उल्लेखनीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पिछले साल मई 2020 में हमारे स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार दिया गया था। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आप सभी को पता है मनसुख मंडाविया है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से भाजपा के नेता हैं। मनसुख मांडविया भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में 7 जुलाई 2021 को भारत के नए चिकित्सा मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा शबाना अख्तर। जी हाँ दोस्तों, शबाना अख्तर इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों महिलाओं को पहली बार 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने का मौका दिया गया था। 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 20 महिलाओं को भाग लेने का मौका मिला, जिन्हें क्रॉसकेट, गोल्फ, नौकायन और टेनिस में आधिकारिक तौर पर पहली बार प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, संताल या हूल विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संताल या हूल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 30 जून 1855। जी हाँ दोस्तों, 30 जून 1855 को संताल का युद्ध विद्रोह हुआ था। संताल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक शस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ तथा 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद और भैरव में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में शुरुआत 2020 को किस दिन मनाने की हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों भारत की सिफारिश पर यह 21 मई जी हाँ दोस्तों, हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में ये मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार क्यात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पूछा गया है, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हसन राजा, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, सफ़ेद खो पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद खो पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित दर्रा कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी को पता है पीर पंजाल पर्वतमाला में रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, तीनों दर्रे पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, एशिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे गहरी घाटी के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा काली गंडकी। जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे गहरी घाटी काली गंडकी, जो कि नेपाल में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, पश्चिमी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी तट पर पूछा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था पश्चिमी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता है पश्चिमी तट पर कांडला, मुंबई, मरबूगांव, न्यू मंगलोर और कोचीन, ये सभी पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले प्राकृतिक बंदरगाह हैं। यदि पूर्वी तट की हम बात करें तो पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाहों में तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया, ये सभी पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, तो दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, कोलोगेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है। जी हाँ दोस्तों, 2020 में यह आयोजित किया गया था, इसमें 57 किलोग्राम वर्ग में पूछा है, तो दोस्तों 57 किलोग्राम वर्ग में इसका सही उत्तर होगा मनीषा मोन। यदि 52 किलोग्राम वर्ग में हम बात करें तो इसका गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है अमित पंगाल ने, और 60 किलोग्राम वर्ग में सिमरनजीत कौर ने। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, उसमें एक 57 किलोग्राम वर्ग में, एक 52 किलोग्राम वर्ग में और एक 60 किलोग्राम वर्ग में। दोस्तों 57 किलोग्राम वर्ग में पूछ लिया गया है, आने वाले शिफ्टों में 52 और 60 किलोग्राम वर्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 52 किलोग्राम वर्ग में अमित पांगाल ने गोल्ड मेडल जीता है और 60 किलोग्राम वर्ग में सिमरनजीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17 है, जीना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मोहम्मद जिन्ना, यहाँ पे उनकी बुक, उनके ऊपर बुक लिखी गई है, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ये इसका अहमद द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा इसका अहमद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, चुआनचेई पोशाक किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है चुआनचेई पोशाक किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम राज्य की महिलाएं जो है ये पोशाक पहनती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा ध्रुवीय अणु है। तो दोस्तों ध्रुवीय अणु होते हैं, आप सभी को पता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O और एथेनॉल, CH3CH2OH, ये तीनों ही ध्रुवीय अणु हैं। तो ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे तीनों ही ध्रुवीय अणु हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, भूटान के प्रथम राजा कब बने थे। तो इसका सही उत्तर होगा 17 दिसंबर 1907 में। जी हाँ दोस्तों, भूटान के प्रथम राजा 17 दिसंबर 1907 में। दोस्तों भूटान के इतिहास में यदि हम देखें तो ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहाँ राजाशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को मिली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि कंप्यूटर के वायरस से रिलेटेड पूछा गया है, कंप्यूटर का वायरस कौन सा है। तो ऑप्शन में था क्रीपर, ये इसका सही उत्तर होगा, कंप्यूटर का वायरस क्रीपर। इसके अलावा दूसरे जो वायरस हैं वो आप देख सकते हैं, मॉरिसवर्म, क्रिप्टो लॉकर आदि कंप्यूटर के वायरस हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2020 IBM बीकॉन अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विप्रो। जी हाँ दोस्तों, विप्रो को 5 मई 2020 को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पटियाला घराना। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित हैं। दोस्तों पटियाला घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह घराना दिल्ली घराने की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमने 9 अगस्त के पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में 23 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, परवर, पूर्णा और मांजरा किसकी सहायक नदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है परवर, पूर्णा और मांजरा किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों कभी कभी नदियों के ऊपर बनाए गए बांध और परियोजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोदावरी नदी पर जो महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई वो है पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम, गोदावरी नदी पर स्थित सदरमठ एनिकट नामक दो सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई एवं जन निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा धरोहर सिंचाई संरचना स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अनुच्छेद 15 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी में भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में जितनी भी घाटियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं, कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियां हैं, उसमें प्रमुख रूप से कांगड़ा घाटी, चंबा, लाहौल और स्पीति, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी और जोगिंद्रनगर घाटी, ये सभी प्रमुख घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु समता विकास के लिए नियम आधारित प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम है, तो पूछा गया है किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर होगा मिशन कर्मयोगी। जी हाँ दोस्तों, मिशन कर्मयोगी, इसका उद्देश्य है सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए सिविल सेवा का निर्माण करना है जो न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य है भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल में कब तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए दैसाला प्रणाली को लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में कब तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइना ए दैसाला प्रणाली को लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1580 यानी 1571 से लेके 1510 ईस्वी तक के आंकड़ों को आधार मानकर इन्होंने ये निकाला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1199 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिल और बढ़ाया 1220 ईस्वी में, और सन 1369 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए नए मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु नए मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दिसंबर 2020 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट जो कि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, साहित्य के क्षेत्र में 2020 नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो लुईस गलुक इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की कवित्री लुईस गलुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लुईस गलुक को यह नोबेल पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के जो कि पुरुष टीम की बात की जा रही है यहाँ पर, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो गौर स्टीमेक इसके वर्तमान में कोच हैं, आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, पश्चिम बंगाल का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति का एक समामेलन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य तीनों का एक समामेलन होता है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है, उसका सही उत्तर होगा अलकाप। जी हाँ दोस्तों, अलकाप एक ऐसा नृत्य है जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति तीनों का समामेलन होता है, इसका सही उत्तर होगा अलकाप। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाने वाला एक और प्रमुख लोक नृत्य जिसका नाम है छाहू नृत्य, यह भारत में प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य में से एक है। लोक नृत्य के इस रूप की कल्पना पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में की जाती है, इसलिए इसे बंगाल में पुरुलिया छाऊ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सर्वाधिक आईपीएल विजेता टीम कौन सी है, तो दोस्तों आप सभी को पता है मुंबई इंडियंस सर्वाधिक आईपीएल विजेता टीम है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिजर्व में बाघों की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है रिजर्व में बाघों की जनसंख्या के अनुसार भारत में बाघ सबसे ज़्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बेट टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, भारत में बाघ सबसे ज़्यादा कार्बेट टाइगर रिजर्व में है। कार्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों, सन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय पार्क 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, 1957 में
महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अश्रु ग्रंथि का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लैक्रिमल ग्लैंड, आप सभी को पता है अश्रु ग्रंथि का वैज्ञानिक नाम लैक्रिमल ग्लैंड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 दिसंबर 2020 को सेकेंड प्रोजेक्ट 17A के किस जहाज का जलावतरण हुगली नदी कोलकाता में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हिमगिरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हिमगिरी। हिमगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है हुगली नदी कोलकाता में किया गया है जलावतरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कब से कब तक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1959 से 1965। जी हाँ दोस्तों, 1959 से 1965 तक का काल द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल है। ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते थे और इनके निम्न निर्वात नली के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार 12 सितंबर 1958 में हुआ। इसके उपयोग के पश्चात कंप्यूटर की स्पीड पहले से तेज हो गई। ये कंप्यूटर भी ऊष्मा उत्सर्जित करते थे। इस कंप्यूटर में भी इनपुट देने के लिए पंच गार्ड और आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटआउट का ही प्रयोग किया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, आईपी एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 32। जी हाँ दोस्तों, ये सेम ही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है तो नियंत्रण हेतु सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार द्वारा बैंकों की ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है तो सरकार नियंत्रण हेतु बैंकों में जो ब्याज दर है उसको बढ़ा देगी। इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के लिए भी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मनिका बत्रा। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस प्लेयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा मनिका बत्रा। दोस्तों हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष टीमों के हॉकी में दमदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल पुरस्कार राजीव गांधी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से किसके बीच में है? तो इसका सही उत्तर होगा लोनी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुल 1410 किलोमीटर के बीच में दोनों के बीच में जो है पाइपलाइन है, तो इसका सही उत्तर होगा लोनी, उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस हड़प्पा स्थल में हल्का टेराकोटा पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे जो है हल्का टेराकोटा पाया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 9 अगस्त को सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तीसरी शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माजुली द्वीप। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह एक नदी द्वीप या नदी समूह है जो एक नदी के भीतर किसी भी भूभाग या आकार का होता है। असम के डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित माजुली अब देश का पहला नदी द्वीप जिला भी बन गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा HCl। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र HCl होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संतूर। जी हाँ दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी और पासवर्ड की जानकारी चुराना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी और पासवर्ड की जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फिशिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है ग्लेशियर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ को ग्लेशियर कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका क्षेत्रफल 41,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, 711 ईस्वी में किस अरबी शासन ने भारत पर आक्रमण किया था? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 711 ईस्वी में किस अरबी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 711-12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंह पर आक्रमण किया। उस समय सिंह का शासक ब्राह्मणवंशी राजा दाहिर था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, माउंट जोपनो किस राज्य का पर्वत है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, माउंट जोपनो सिक्किम राज्य का पर्वत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 तक हॉकी में ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11। 2020 तक 11 पदक थे, अभी वर्तमान में 12 पदक हो गए हैं। 2020 तक यदि हम बात करें तो 11 पदकों में 8 जो है गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अभी हाल ही में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 ब्रॉन्ज मेडल और अपने नाम कर लिया है हॉकी में। तो इस तरीके से भारत के अब कुल 12 मेडल हो गए हैं जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2020 में इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा CMS-01। जी हाँ दोस्तों, CMS-01 17 दिसंबर 2020 को जो है इसरो ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है 35 वर्ष, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। राज्यपाल की जो बनने की जो शर्तें हैं उसका अनुच्छेद 157 में उल्लेख किया गया है, उसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। जो भारत का संविधान संघात्मक है, इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2021 में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या को भारत तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज हुई है जनवरी 2021 में, उसके लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 के उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में किस कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने के लिए भारत में अपने बाजार, भुगतान और व्यापक की थोक लाइनों में 11,400 करोड़ का निवेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अमेजन कंपनी ने 2019 और 20 में जो है 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड अर्थ 2020 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोहन। जी हाँ दोस्तों, विद्युत मोहन को यह अवार्ड दिया गया है। भारत के युवा इंजीनियर विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 के लिए उन्हें चुना गया है। विद्युत मोहन ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए
खेती बाड़ी के कूड़े करकट को पर्यावरण अनुकूल ईंधन में तब्दील किया जा सकता है, जिससे न केवल प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है बल्कि उसे आमदनी भी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एमएसपी कौन निर्धारित करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जामों में पूछा जाता है, एमएसपी कौन निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जी हाँ दोस्तों, CACP जो है एमएसपी निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, हमने टोक्यो ओलंपिक वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चार नए खेलों को शामिल किया गया था, उसमें स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी पर्वतमाला हिमालय का भाग नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता है हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्यम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग करना था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा पर्वतमाला जो है हिमालय का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में मोशन पिक्चर ड्रामा में बेस्ट एक्टर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट एक्टर अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जोआक्विन फोनिक्स। जी हाँ दोस्तों, जोआक्विन फोनिक्स को दिया गया है। यदि बेस्ट एक्ट्रेस की हम बात करें तो रेनी जेलवेगर। जी हाँ दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में बेस्ट एक्ट्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रेनी जेलवेगर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। दोस्तों NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके विषय टर्मिनल भारत के 320 शहरों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पंकज मित्तल जो कि 4 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। पहले शिफ्ट में भी आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय, तो इसका सही उत्तर होगा पंकज मित्तल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 9 अगस्त के तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को डिस्कस किया है। तीनों शिफ्टों के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, SSC में, SSCGL के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। यहाँ दोस्तों, ग्लूकोज ही जो है मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।